हेलो दोस्तों, एटजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जो भी राजस्व कर्मचारी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फिलहाल राजस्व कर्मचारी के जितने भी छात्र हैं काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि कब तक उसका लिस्ट आएगा, तो फ्रेंड्स वो चीज़ें आज क्लियर हो गई है। क्या अपडेट है आप देखेंगे लास्ट तक। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स ऊपर में हेडिंग दिया गया और किस चीज़ में छापे गए हैं दैनिक भास्कर में। देखिए क्या लिखा कि 4325 राजस्व कर्मचारी आज से करेंगे काम। नवनियुक्त 4325 राजस्व कर्मचारियों को मंगलवार को जिला आवंटन किया जाएगा। मतलब फ्रेंड्स आज जिला आवंटन किया जाएगा, किसी की भी गृह जिला में तैनाती नहीं होगी। देखिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि किसी की भी जो है गृह जिला में तैनाती नहीं होगी। पहले से सूबे में देख पाएंगे फ्रेंड्स, पहले सूबे में 1800 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इस तरह अब कुल 6125 राजस्व कर्मचारी के 534 अंचलों में उपलब्ध कराए जाएंगे। पर अब भी प्रति पंचायत के हिसाब से कुल 8000 देख सकते हैं 67 ग्राम पंचायतों में, यानी हर पंचायत में कर्मचारी तैनाती नहीं हो पाएंगे। राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि NIC द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से नवनियुक्त कर्मचारियों को जिला आवंटन किया जाएगा। इन परमानेंट कर्मचारियों की तैनाती से अंचलों में लोगों की सुविधा देने में मदद मिलेगी। यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड्स अंचलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं, जिसका एक यहाँ से देख पाएंगे कि कितनी स्पष्ट चीज़ें कही गई है। तो फ्रेंड्स यही आज का अपडेट था। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।